तो देखो भाई लोग, हमने देखा रिसेंटली जो ट्यूसडे को ट्यूसडे नाइट को होता है हमारे यहाँ वेडनेसडे डे में होता है, ये जो ट्यूसडे नाइट को यूएसए में AEW वर्सेस NXT जो आमने सामने कम्पीट कर रहे थे, उसमें हमने देखा कि AEW भाई बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से NXT से हार गया, जहाँ पर AEW की व्यूअरशिप 6,50,000 के आसपास आई थी, वहीं पर NXT की व्यूअरशिप 9,20,500 के आसपास आई। लेकिन भाई वो सारी चीजें तो वहीं पर खत्म हो गई, लेकिन ये टोनी खान नाम का जो बंदा है, ये भाई साहब इसे कंपनी का ओनर किसने बना दिया, इसके हाथ में सोशल मीडिया का फोन क्यों दे दिया? भाई ये बंदा पागल हो चुका है, सोशल मीडिया पर आकर के रो रहा है, एंड रोने के साथ साथ भाई अपनी कंपनी को लेकर के नहीं रो रहा कि हमने अच्छा एपिसोड डिलीवर नहीं किया, हम हार गए, हम माफी मांगते हैं या हम बेटर चीजें करेंगे। ये भाई कंपनी को अपने को तो नहीं देख रहा, ये WWE को क्रिटिसाइज कर रहा है एंड बोल रहा है कि मैंने अब से पहले WWE का कोई भी ऐसा एपिसोड नहीं देखा जहां पर जॉन सीना एंड रैंडी ओटन अपीयर हुए, लेकिन उस शो की व्यूअरशिप 1 मिलियन से भी कम आई है। एंड भाई यहां पर साफ साफ टोनी खान रोते हुए का हमें पता चल रहा है, क्योंकि लास्ट ट्यूजडे जो आया था वो AEW वर्सेस NXT वाली चीज में AEW भाई बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से हार गई थी, एंड हम लोगों ने देखा था जहां पर AEW का शो चल रहा था उस अरीना में VIP वाले सेक्शन में टेलीविजन पर NXT का शो चल रहा था। हाँ लिटरली भाई AEW के VIP लॉन्च में NXT का शो चल रहा था, एंड उस वक्त NXT इस व्यूअरशिप की वॉर को जीत गई, एंड इसी वजह से भाई टोनी खान ने सोशल मीडिया पर आकर रोना चालू कर दिया। एंड अगर आपको मैं अभी बताऊं, जब ये AEW एंड NXT का एपिसोड नहीं हुआ था तो ये टोनी खान वही आदमी है जिसने सोशल मीडिया पर आकर के Triple H को गाली तक दी थी, एंड Triple H एंड विंस मैकमैन भाई इन्होंने दोनों को गाली दी थी, एंड उसके बाद ये बोल रहा था कि हमारा AEW का शो आने वाला है। लेकिन हालांकि व्यूअरशिप से थोड़ा सा मैं भी शॉक्ड हो गया NXT की जो व्यूअरशिप आई, क्योंकि मैं भी एक भाई सोच रहा था कि हाँ ये व्यूअरशिप 1 मिलियन से ऊपर अराउंड 1.5 मिलियन के आसपास चली जाएगी, क्योंकि कोडी रोड्स, जॉन सीना, अंडरटेकर, LA Knight एंड काफ़ी सारे सुपरस्टार उस पर अपीयर थे NXT पर, बट फिर भी भाई ये व्यूअरशिप में जीत गया है, तो यार एक हेल्दी कॉम्पिटिशन की तरफ से लेना चाहिए, ऐसा सोशल मीडिया पर आकर के रोने से कोई फायदा नहीं। एंड रोने के लिए भी तुम अपनी कंपनी के लिए नहीं रो रहे हो, तुम WWE के लिए रो रहे हो कि भाई ऐसे मैंने कोई भी ऐसा एपिसोड नहीं देखा जहाँ पर 1 मिलियन से कम व्यूअरशिप आई हो। तो भाई टोनी खान को तो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बाकी आप लोग के क्या थॉट है इस चीज़ को लेकर के, आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बस भाई आज की वीडियो यहीं तक की, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।